समय रेत जादू का बुरा असर अपेक्षा से भी अधिक तेजी से फैल रहा है। बालवीर के पास समय कम है, हर एक पल कीमती है। शार्य, मुझे मुझे पूरा विश्वास है, बालवीर बालवीर जरूर सफल होकर आएगा। परियों की छवि समय रेत के नीचे डूबती जा रही है और वहां वीर लोक में वो असली तितलियों जैसी परियां, उनका रूप, उनकी शक्तियां सब बूढ़ी होती जा रही हैं। शौर्य ने कहा था कि जीवक यंत्र का स्पर्श गलती से भी महाबली को नहीं होना चाहिए, इसलिए गुरु ज्ञानी को ढूंढने के लिए मुझे सत्य खोजक यंत्र का इस्तेमाल करना होगा। अब ये यंत्र उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में अच्छी शक्ति का स्रोत होगा। तो इस दिशा में है गुरु ज्ञानी की समाधि। तो इस गुफा का अंत है और यहां पर इस बुलंद किले के स्तंभों के अलावा और कुछ भी नहीं, तो फिर गुरु ज्ञानी की समाधि कहां पर है? अगर मुझे गुरु ज्ञानी को ढूंढना है तो गुरु ज्ञानी की तरह सोचना भी पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि गुरु ज्ञानी ने अपने आप को छुपाने के लिए अपनी समाधि ऐसी जगह पर बनाई हो जो नजरों के सामने हो पर दिखाई ना दे। लगता है इस विशाल स्तंभ को अब तोड़ना ही पड़ेगा। गुरु ज्ञानी, अब जीवक यंत्र की मदद से मुझे गुरु ज्ञानी को जागृत करना चाहिए। अरे, ये जीवक यंत्र कहाँ चला गया? आए राजा, आए तो थे हम समाधि ढूंढने, लेकिन यहाँ पर मुलाकात इस हाथ से हो गई। Oh, my God.
छोर, एक छोर, अरे छोर मुझे, अरे भरजा, ये मुलाकात है, ये तो मुक्का बात कर रहा है मेरे साथ, अरे बचा मुझे, भरजा बचा। कहीं ये वीर लोक का कोई जादुई यंत्र तो नहीं है? अगर ये जीवक यंत्र किसी भी निर्जीव को छुएगा तो जीवित हो सकता है। आखिर वो जीवक यंत्र गया का? रुक, क्या भाई राजा, लोगों के हाथ से समय फिसल जाता है, मौका फिसल जाता है, लेकिन आपके हाथों से तो हाथ फिसल गया। चलो मानी चाहिए आपको। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो चलो में कितना पुराना लग रहा है ना। हाँ बहुत अच्छा है। हेलो सुतले, रिंकू व्हाट तू ठीक तो है ना? क्या हुआ सुतली, तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुम लोगों ने भूत देख लिया हो। रुक चिंटू, मैं अभी तेरा भरता बनाती हूँ। हिस्ट्री ट्रिप में तुम लोगों की हिस्ट्री बना दूंगा मैं। अरे रिंकू, कूल डाउन। प्रैंक का जवाब प्रैंक से ही दिया जाना चाहिए, वायलेंस से नहीं। लगता है इनके प्रैंक का आंसर बालवीर खुद ही आके दे रहे हैं। प्लीज माफ कर दो। लेकिन देवो भैया अगर यहाँ होते तो मुझे दिखाई देते स्केलेटन जिंदा हो गया है, इसके पीछे कोई और रीजन है। अब तो श्योर हो गया है कि यहाँ कोई और लूटा चल रहा है। हो सकता है ये डिम्मी आंटी का कोई नया गेम। तो इसका मतलब इस जादुई हाथ से निर्जीव चीजों को जगाया जा सकता है, और इसीलिए बालवीर इस हाथ से गुरु ज्ञानी को जागृत करना चाहता है। फिर तो ये हाथ बालवीर के हाथों में नहीं आना चाहिए मेरे राजा। चलिए प्लीज हमें माफ कर दो ना स्केलेटन जी, प्लीज। अगली बार अगर तुम लोगों ने हमारे साथ प्रैंक किया ना तो बालवीर फिर से आ जाएंगे। सॉरी, हम अगली बार कभी प्रैंक नहीं करेंगे। सॉरी, भाग चिंटी भाग। चलो गाइस, अरे भैराजा, इसका पीछा करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो पैर है, लेकिन इसके पास पांच उंगलियां है। हम कैसे पकड़ेंगे इस जीवक यंत्र को? हे
वाह राजा वाह। अब बालवीर गुरु ज्ञानी को जागृत नहीं कर पाएगा और ना ही तिमनासा की योजना को रोक पाएगा। दूसरों की चीजों पर नजर रखना अच्छी बात नहीं होती भैमा। अच्छा मेरा भी एक उसूल है बालवीर, जिस चीज पर मेरी नजर पड़ गई वो मेरी हो गई। शहीद कर रहे हो? अरे निकल जाता ना यहां से। भैया ये सब क्या हो रहा था? आप मुझे हिस्ट्री ट्रिप के लिए छुट्टी देकर खुद ओवर टाइम कर रहे हो। भगवान हरअसल ये हमारे हेयर क्यों वाइट हो रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि तिमनासा ने जादुई छवि यंत्र से परियों पर समय रेत का जादू किया है। इस जीवक यंत्र से अगर तुम बुलंद किले के नीचे तभी गुरु ज्ञानी की समाधि को स्पर्श करोगे तो वो जागृत हो जाएंगे। भैया मैं अभी वीर लोग जाकर बाल परी और बाकी परियों की देखभाल करता हूँ। नहीं विवान, तुम वीर लोग मत जाओ, बल्कि यहाँ पर रहकर बच्चों की सुरक्षा करो, क्योंकि भैमार और तिमनासा मुझे रोकने के लिए बच्चों पर खतरा ला सकते हैं। ओके भैया, और आप क्या करोगे? मैं इस यंत्र की मदद से मैं गुरु ज्ञानी को जागृत करूंगा ताकि वो हमारी मदद कर सके, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। जाओ। खूब भैमार, आज तुमने बड़ी अकलमंदी का काम किया है, क्योंकि मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि शौर्य ने मेरे समय रेत जादू का तोड़ भी निकाला होगा। बहुत खूब। लेकिन अब मैं बालवीर से पहले उस गुरु ज्ञानी की समाधि को उसकी मौत की समाधि बना दूंगी। ना रहेगा ज्ञानी और ना फिरेगा मेरी योजना पर पानी। अगर मैं ज्यादा देर यहाँ पर रुकी तो बालवीर को पता चल जाएगा। मुझे इस मूर्ति को यहाँ से काल लोक लेकर जाना होगा और उसे नष्ट करना होगा। यहाँ जरूर कोई सुरक्षा कवच लगा हुआ है, इसलिए ना ही मैं इस मूर्ति को नष्ट कर सकती हूँ और ना ही इसे यहाँ से ले जा सकती हूँ। अब एक ही रास्ता बचा है। पाप का ये धुआं आप गुरु ज्ञानी की समाधि को महाबली की समाधि के साथ बदल देगा और बालवीर को पता भी नहीं चलेगा।
जमीन अपनी अच्छाई करने वाले हाथों से महाबली को जागृत करेगा और बुराई करने में मेरी मदद करेगा। समय बिल्कुल भी नहीं बचा है मेरे पास। इस जीवक यंत्र की मदद से मुझे गुरु ज्ञानी को जागृत कर देना चाहिए। यहाँ इस लाइब्रेरी में इस किले की पूरी हिस्ट्री के बारे में बुक्स अवेलेबल है। मैं तो गुरु ज्ञानी की हिस्ट्री पढ़ूंगा। ऑफ कोर्स, वो गुरु ज्ञानी, तुम छोटे ज्ञानी, तुम्हें ऑफ कोर्स उनमें इंटरेस्ट होगा। चलो बच्चों, तो आप लोग लाइब्रेरी एक्सप्लोर करो और एंजॉय द बुक्स। क्या हुआ विवान, तुझे अचानक से किले की हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट कैसे आने लग गया? वो दीदी, मैं महाबली की वीकनेस पढ़ रहा, क्योंकि वो बुरा था और बुरे लोग डेंजरस हो सकते, तो इसलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। अरे तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे विवान? महाबली की बुराइयां सदियों पहले खत्म हो गई, अब वो जिंदा होकर कोई बाहर निकल के थोड़ी ना आएगा। थैंक यू विवान, तुमने नाश्ते के डिब्बे गिरने से बचा लिए, वरना हम सब भूखे रह जाते। वैसे तो विवान, हम किसी को थैंक यू नहीं बोलते, लेकिन तुमने नाश्ते के बॉक्सेस बचाए, इसलिए दिल की गहराइयों से थैंक यू विवान। मेंशन नॉट। महाबली, ये महाबली इस सबूत के अंदर कैसे आ गया? यहाँ पे तो अच्छाई की महक बहुत पसंद है मुझे। तुच्छ शक्तियां मेरे इस रक्षा कवच को नहीं भेद सकती, लेकिन मेरी ये तलवार हिमालय पर्वत के भी दो टुकड़े कर सकती है। लेकिन मैं इस नौसिखिए खिलाड़ी को इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। हाँ, हाँ।
इमेजिन बच्चों, यहाँ पूरे एक महीने तक गुरु ज्ञानी और महाबली के बीच में घमासान लड़ाई हुई थी, घमासान लड़ाई। अरे अरे अरे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम उस वन मंथ की लड़ाई को इमेजिन कर रहे थे। ओह, वो भी साउंड इफेक्ट्स के साथ। अरे बच्चे नॉटी हैं। चलो बच्चे लोग किले के अंदर चलते हैं। आ जा। वैसे रमाकांत अंकल, इस किले में और क्या क्या है? पता नहीं, देवू भैया के पास गुरु ज्ञानी को ढूंढने के लिए कितना टाइम बचा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं गुरु ज्ञानी को जागृत नहीं कर पाया। नहीं, नहीं बालवीर, इतना दुखी हो ना, अच्छी बात नहीं है बालवीर। तुमने तो पूरी कोशिश की है ना? नहीं माँ, बुराई के चाल में फंसकर मैंने गलती से महाबली को जागृत कर दिया, और इसलिए वो हम सबको, मुझे माफ कर दीजिए भाइयों, माफ कर दीजिए। जिस अधूरे काम को मैंने सदियों पहले शुरू किया था, अब उस अधूरे काम को अंत करने का समय आ गया है। और मैं तुम्हारा मकसद पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें उस समाधि से आजाद किया है, महाबली। क्या चाहिए तुम्हें? बुराई की महक। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। चलो मेरे साथ। ये तुम्हारे गुरु ज्ञानी की समाधि है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस समाधि को नष्ट कर दो। तो गुरु ज्ञानी है, लेकिन मैं इसे अपना गुरु नहीं मानता, क्योंकि इसने मुझे अपना पूरा ज्ञान नहीं दिया। इससे बदला लेने के लिए तो मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्रोध के आग में गुरु ज्ञानी की ये समाधि खुद ही इसकी चिता बन जाएगी। कहाँ जा रहे हो? अपने गुरु की समाधि को पूरी तरह जलकर भस्म होते हुए तो देखते जाओ, तुम्हारे दिल को ठंडक मिलेगी। मैंने कहा ना, ये मेरा गुरु नहीं है। और रही बात दिल में ठंडक पहुंचाने की, तो मेरे दिल में ठंडक तभी पहुंचेगी जब मैं गुरु ज्ञानी का सारा ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। कोई बात नहीं, इस महाबली की रुचि भले ही समाधि को जलता हुआ देखने में नहीं है, लेकिन मेरे दिल को ठंडक तो तभी पहुंचेगी जब मैं उन परियों को तड़पते हुए बूढ़ा होते हुए देखूंगी। विवान, तो किधर रह गया था? कुछ नहीं दीदी, वो मैं यहाँ की चीजें देख रहा था, कितनी अच्छी हैं और हिस्ट्री ट्रिप भी कितनी इंटरेस्टिंग हो रही है ना? किले के अंदर तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चल, पूरा दिमाग पका देने वाली ट्रिप है चिंटी।
और बॉडी थकाने वाली ट्रिप भी है ये। इतनी वॉकिंग तो मैंने एक महीने भी नहीं की जितनी आज करनी पड़ गई है। वही, और ऊपर से मक्खी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। अरे हट जाओ। चिंटू भैया। हाँ? निकालो इसे। अरे यार ये है तो नहीं। हाँ? निकालो। ठीक है मुझे देख। चिंटी ये कोई सीक्रेट खजाने का मैप तो नहीं? किस मूर्ख का मृत्यु योग बना है जिसने मेरे नक्शे को छुआ? लगता है बहुत पुराना मैप है, हम इसे रख लेते हैं। ये बच्चे किसी भी सामान को डैमेज नहीं करेंगे और डिस्प्ले में जो भी सामान रखा है न उसे छुएंगे न अपने घर ले जाएंगे। ओके बच्चों? यस यस सर। लेकिन चिंटी पार्थो सर ने कहा था ना कि डिस्प्ले में रखी हुई किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। हाँ, लेकिन ये डिस्प्ले में थोड़ी नहीं थी, ये तो छुपा हुआ था। लेकिन चिंटी अगर किसी को पता चल गया तो अब क्या करेंगे? आइडिया, हम इसे खुशी के बैग में डाल देंगे। हाँ? और फिर हम बच जाएंगे। गुड आइडिया चिंटी। और अगर किसी को डाउट भी हुआ तो चोरी का इल्जाम तो खुशी पर ही लगेगा ना। हाँ। वाओ। अरे जाना अच्छा म्यूजिक। हाँ हाँ बहुत अच्छा। सच्ची सुतली इधर आना। गधा? नहीं ये लायन है। नहीं ये गधा है। लायन है ये चिंटी। नहीं गधा है। लायन है। ठीक है गधा है। ठीक है अब खुशी जैसे ही घर पहुंचेगी हम उसके घर पे जाके उसके बैग से वो मैप निकाल लेंगे। यस। बुराई की यही चालाकी होती है बालवीर कि वो अच्छाई को भ्रमित कर देती है और अच्छाई के मन में संदेह पैदा कर देती है। ये याद रखना बालवीर, जब तक सूरज में अच्छाई है तब तक उसमें बुराई का ग्रहण नहीं लग सकता। हाँ बालवीर। हाँ। तुम बस खुद पर विश्वास रखो क्योंकि क्योंकि हम सबको तुम पर बहुत विश्वास है बालवीर। बहुत विश्वास है। ये लड़ाई ना तुम सिर्फ हम सब के लिए नहीं लड़ रहे हो बल्कि मानव जाति के लिए लड़ रहे हो। पूरी मानव जाति को बचाने के लिए लड़ रहे हो ना। परियो Thank you.
पड़ी हो, उठ जाए। तो नहीं पड़ी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अपना ध्यान रखना। कौन है ये? ये महाबली है। महाबली? महाबली? You mean to say महाबली? अरे करे महाबली! बाल्दी रे, बाल्दी! पर ये महाबली हिस्ट्री से निकलकर यहाँ कैसे आ गया? आप मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? बाल्वीर हेल्प! बाल्वीर! बाल्वीर हेल्प! बाल्वीर हेल्प! बाल्वीर हेल्प! बाल्वीर हेल्प! बाल्वीर! बाल्वीर! दलचा बोला है। बालवीर आए। तुम बालवीर हो या शूरवीर, तुम जो कोई भी हो, हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे बस वो नक्शा चाहिए। नक्शा? मेरे पास कोई नक्शा नहीं है। मिस्टर महाबली, अगर आपने एक भी कदम आगे बढ़ाया है ना, तो मैं आपके चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। अच्छाई की महक? हाँ, लेकिन मुझे अच्छाई की महक अत्यंत ना पसंद है। सेम पिंच मिस्टर महाबली, मैं भी आप ही की तरह बुराई का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। मुझे भी बुराई अत्यंत ना पसंद है। की ढाल बनाकर सूरज से बचता चाहोगे तो पिघल जाओगे बच्चे। जितना महाबली का अटैक भारी है, उतना ही भारी उसका डायलॉग भी है। पर तो सर, आप सभी बच्चों को किसी सेफ जगह पर लेकर जाइए। इसके भारी डायलॉग्स और भारी अटैक को मैं देखता हूँ। बच्चों जाइए, चलो बच्चों, भागो भागो, भाग चिंडी। अब तिमनासा की समय रेत योजना को कोई नहीं रोक सकता। हाँ राजा, हाँ। अब यह बूढ़ी होकर वृद्धाश्रम में चली जाएगी। पहले वो अच्छाई का सहारा थी, लेकिन अब खुद बूढ़ी होकर
एक डंडे का सहारा लेकर चलेगी। अच्छाई को कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ बुराई पर कभी कभी डंडे जरूर बरसाने पड़ते हैं। राजा, ये गुरु ज्ञानी जागने से पहले खिसक लेते ना यहाँ से, नहीं तो ये दोनों हमें पानी में डुबो डुबो कर मारेंगे। चलिए ना। जिस तरह गरम तवे पर पानी की एक बूंद गिरते ही वो भाप बनकर उड़ जाती है, वैसे ही तुम्हारी शक्तियां भी अब चुटकियों में उड़ जाएंगी। ये तो खतरे का संकेत है। मेहमान ने भेजा, इसका अर्थ ये हुआ कि समाधि पर हमला हुआ है और वो बालवीर गुरु ज्ञानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। टूटे कांच को जोड़ना संभव है, लेकिन तिमनासा की चाल को उलटना नामुमकिन। मैं तुम्हारी चाल को सफल नहीं होने दूंगी बालवीर। बड़े आए डंडे बरसाने वाले। तुम लोग मुझे तो रोक सकते हो, लेकिन इस जीवक यंत्र को कैसे रोकोगे? We'll be right back.
अब तुम सिर्फ वही करोगी जो मेरा आदेश होगा। अरे भैरा रे, खड़ी खड़ी करे क्या कर रही आप? लीजिए ना हमारा इस गुरु ज्ञानी पे। राजा आप भी हमला कीजिए, लगता है भैरानी को सांप सूंघ गया। क्या कर रही हो तुम नासो? हेमार, इस गुरु ज्ञानी ने मेरे दिमाग को अपने वश में कर लिया है। यहां रुकना सही नहीं है, हमें तुरंत जाकर उस महाबली के साथ वो नक्शा ढूंढना चाहिए। महाराजा चलिए खिसकिए यहां से। जो शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हम सब तो आ गए, लेकिन विवान कहाँ है? चिंता मत करो खुशी दीदी, विवान बहुत इंटेलिजेंट है, वो थोड़ी देर में ही आ जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो महाबली कौन से नक्शे के बारे में बात कर रहे थे। हाँ वो नक्शा ना एक्चुअली वो महाबली I warn you, Mahabali. मैं भी बजरंग बली का भक्त हूँ, मेरे रथ तू बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो देखो, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम जो कोई भी हो मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मैं यहाँ का मैनेजर। वो मेरे को बचाएगा। कहाँ है वो लड़की जिसके पास मेरा नक्शा है? आप जल्दी यहाँ से जाइए, इसे मैं देखता हूँ। पाखंडी, कौन हो तुम और मेरे बीच में बार बार क्यों आ रहे हो? सांप कभी काटता नहीं छोड़ सकता और फूल कभी महकना। आई मीन बुराई तुम्हारा नेचर है और अच्छाई मेरा स्वभाव। अभी तुमने मेरी बुराई का स्वभाव देखा ही कहाँ है बच्चे? बालवीर, हो सकता है महाबली ने वो नक्शा इसी प्रदर्शनी में कहीं छुपाया, हमें उसे ढूंढना चाहिए। प्लीज हमें बचा लो।
क्या हुआ बच्चों? तुम सब इतने घबराए हुए क्यों? जल्दी से आप हमें एक सुरक्षित जगह पर ले जाइए, वरना वो महाबली तो हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है। चिंता मत करो। बटर, मैं उस महाबली को तो चकमा देकर आ गया, लेकिन अब आगे क्या करना है? महाबली ने गुरु ज्ञानी की किताब कहीं छुपा दी है और वहां तक पहुंचने के लिए एक नक्शा है, लेकिन वो नक्शा पता नहीं कहां पर रखा है। उसी को ढूंढने के लिए हम यहां पर ऊपर आए हैं। पार्टनर, कहीं यहीं तो वो नक्शा नहीं? अरे हाँ, ये तो वही नक्शा है। हैं? बालवीर, ये कौन है? चुप, ये गुरु ज्ञानी। गुरु ज्ञानी? हमने तो आपके बारे में सिर्फ पार्टनर के मुंह से सुना था, लेकिन आज तो देख भी लिया। हाँ, आई एम स्पीचलेस। प्रणाम गुरु ज्ञानी। जीते रहो बच्चों। बालवीर, इस नक्शे के मुताबिक वो पुस्तक यही जमीन के नीचे इस महल में महाबली ने छुपा कर रखा है। ठीक है, मैं गुरु ज्ञानी के साथ इस नक्शे की मदद से उस किताब को ढूंढने जा रहा हूं, लेकिन तब तक तुम महाबली के सर से उस मुकुट को निकालने की कोशिश करो, ताकि गुरु ज्ञानी उसे अपने वश में कर सके। ओके पार्टनर, लेकिन आप ये नक्शा मुझे दे दो, क्योंकि जब तक ये नक्शा ऊपर रहेगा तब तक महाबली आप लोगों को डिस्टर्ब करने नीचे नहीं आएगा। हाँ, ये तुमने सही बात कही है। इस नक्शे की छवि मैंने अपने मस्तिष्क में उतार ली है। कूल, ये लो, अब अपना ख्याल रखना और इन बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। लेकिन बार्टर, गुरु ज्ञानी, मेरी शक्तियों का कोई असर नहीं हो रहा उस महाबली पर, तो फिर अब हम उससे बचेंगे कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो, महाबली को शक्ति से नहीं हरा जा सकता है। तो फिर हम उस पागल हाथी पर ब्रेक कैसे लगाए? हाँ, तुम एक ऐसी चादर बनाओ जिसे सारे बच्चों को उड़ाकर वहां के वातावरण में घुल मिल जाओ, और फिर तुम सारे बच्चों को यहां से लेकर निकल जाओ। हो, आपका मतलब कैमोफ्लैज? गुड आइडिया। ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना। अब मैं इस नक्शे का लालच दिखाकर महाबली को कंफ्यूज करके रख दूंगा, और तब तक पार्टनर और गुरु ज्ञानी आराम से उस सीक्रेट नॉलेज की बुक को ढूंढ लेंगे। बालवीर, चिंटू, जल्दी से सबको इस चद्दर के नीचे लाओ, जल्दी चलो, जल्दी। हाँ, जल्दी। बालवीर, बालवीर सावधानी से, यहां बहुत सारी जाले मिलेंगी और ये जाल महाबली के द्वारा बिछाई गई हैं, इसीलिए इन पर ना तो मेरी और ना ही तुम्हारी शक्तियों का कोई प्रभाव होगा। सावधानी ही एकमात्र उपाय है इस जाल के खिलाफ।
तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे गुरु ज्ञानी को बालवीर ने जागृत कर दिया है। मुझे गुरु ज्ञानी की कोई चिंता नहीं, क्योंकि जब तक मेरे शरीर पे ये रक्षा कवच और मुकुट है, गुरु ज्ञानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर तुम यहाँ ढूंढ क्या रहे हो? गुरु ज्ञानी के मंत्रों की पुस्तक, जिसमें गुरु ज्ञानी की सारी गुप्त विद्याएं लिखी हुई हैं, मैंने उन्हें चुरा कर सदियों पहले यहीं कहीं छुपा दिया था। उस पुस्तक को तुमने ही छुपाया और तुम्हें ही नहीं पता कि पुस्तक कहाँ पर है? सदियों की समाधि के बाद मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, इसीलिए समाधि से पहले ही मैंने उस पुस्तक तक पहुंचने का रास्ता बना लिया था। तो फिर जल्दी करो महाबली, क्योंकि बालवीर के हाथ में वो नक्शा नहीं आना चाहिए। चीखने की आवाज इतनी तीव्र है कि दिमाग की नसें भी फट सकती हैं। हाँ, लेकिन गुरुजी, हमें इस पुल को पार करके उस पार भी तो जाना है, और इतनी तीव्र आवाज में तो ये पुल भी टूट सकता है। एक उपाय है, आवाज को चलने के लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इस जगह की पूरी हवा को खींच लें, तो इस तीव्र आवाज की कंपन हम तक नहीं पहुंच पाएगी। हाँ गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। इस पुल को पार करने में हमें 2 मिनट का समय लगेगा। तब तक के लिए हमें अपनी सांसों को रोकना होगा। चलिए। सावधान बालवीर।
काश मैं बालवीर की मदद कर सकता, पर जीवित होने के बाद मेरी सारी शक्तियां अभी तक लौटी नहीं हैं। क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो तो चलकर नहीं बालवीर, उड़कर भी नहीं, बल्कि तुम्हें तैर कर जाना होगा, नहीं तो मेरी तीर तुम्हें छलनी छलनी कर देगी। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास उड़ने की शक्तियां तो है, लेकिन बिना पानी के कोई तैर कैसे सकता है? एक उपाय है, अगर हम यहाँ के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को थोड़ी देर के लिए बेअसर कर दें तो हम खुद ब खुद हवा में तैरने लगेंगे। उस कमरे में मेरी पुस्तक है, बुढ़ा ना होने की विद्या उस पुस्तक में लिखी हुई है। तो चलिए गुरुजी, हमारे पास समय बहुत कम है और यह पल पल के साथ बूढ़ी होती जा रही है। चूहे का बच्चा, अब तुम्हें पता चलेगा महाबली कि चूहा गणेश जी का वाहन है। अब ये चूहे का बच्चा तुम्हारा गेम ओवर करने वाला है। महाबली, अब जैसे ही तुम मेरे और करीब आओगे, इस पावरफुल मैग्नेट से मैं तुम्हारा मुकुट उतार दूंगा। वो चूहा मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पाई विवान। आखिर चूहे दानी में चूहा फंस ही गया। तुमसे नक्शा लेने की हमारी चाल पूरे तरीके से कामयाब हुई। विवान, क्या हुआ विवान? तिम्नासा ने क्या किया तुम्हारे साथ? मैंने क्या किया? मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। कल की मैं तो ये करना चाहती थी। विवान,
ना 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 गुरुजी, गलती से भी कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं इस बालवीर के भाई की मूर्ति को यहीं तोड़ दूंगा। और आप तो जानते ही हैं गुरुजी कि जब तक मेरे सिर पे ये मुकुट है, आप मुझे और मेरे मस्तिष्क को वश में नहीं कर सकते। गुरु ज्ञानी, भला इसी में वो मंत्र वाली पुस्तक इधर दे दो। वो पुस्तक तुम्हें कभी नहीं मिलेगी भैमार। अच्छा, तुम्हें धोखा कैसे हो सकता है बालवीर, कि तुम इस वक्त कोई भी मोल भाव सौदा करने की हालत में हो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसा खेल खेल जाऊं महाबली के साथ मिलकर, जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये खेल तो आप पहले ही हार चुके हो गुरुजी और बालवीर। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि ये पुस्तक मुझे दे दो। क्या तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं है? नाम से महाबली, किंतु जीतने के लिए एक बच्चे का सहारा ले रहे हो। धिक्कार है तुम पर। अगर तुम में साहस है तो मुझसे युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो यह पुस्तक मैं तुम्हें दे दूंगा। अवश्य गुरुजी, अवश्य। और वैसे भी पिछली बार की चली लड़ाई 1 महीने चली, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन आज मैं इस लड़ाई का अंत कर दूंगा।